उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए गए बयान, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, पर सियासी घमासान छिड़ गया है। अपने अपने दृष्टिकोण से इसके निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल NBC भारत पर। मैं हूं आपके साथ वेद प्रकाश मिश्रा। आइए समझते हैं कि विडंबना क्या है। विडंबना यह है कि जाति चेतना, दलित क्षेत्रीय अस्मिता और अलग अलग पहचान के नाम पर छोटी छोटी अस्मिताओं को उभार करके समाज और राष्ट्र को बुरी तरह विभाजित करने वालों को भी योगी आदित्यनाथ का जो वक्तव्य है वो संकीर्णता और सांप्रदायिकता नजर आती है। क्या यह सत्य नहीं है कि आज अनेक लोग वामी जिहादी गठजोड़ की भाषा बोल रहे हैं, जिनकी दृष्टि में भारत कभी एक राष्ट्र न होकर के राज्यों का संघ मात्र रहा, जिनकी दृष्टि में देश की संस्कृति, अस्मिता और राष्ट्रीय अलग अलग है, जिनकी दृष्टि में हमास, हिजबुल्ला जैसों का समर्थन पंथ निरपेक्षता है, पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचार पर मुंह खोलना भी मतदाताओं का ध्रुवीकरण है। क्या इसमें भी कोई दो राय हो सकता है कि देश के सामाजिक, संस्कृति और भौगोलिक एकता के सूत्र में प्रयोग जाने वाले परस्पर जुड़े रहने की आवश्यकता है, न केवल वर्तमान अपितु अतीत में भी? क्या हमारी सबसे बड़ी दुर्बलता विभाजनकारी प्रवृत्तियां और विभेदकारी कुरीतियां रही हैं? विदेशी आक्रांताओं और साम्राज्यवादी शक्तियों ने फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए हमें दास्ता की भेड़ियों में जकड़ा और अंततः भारतवर्ष को विभाजित करने में भी वह सफल रहे। इतिहास साक्षी है कि हम विदेशी आक्रांताओं की वीरता नहीं, कुटिलता और धूर्तता के कारण हारे हैं। हमने अद्भुत शौर्य और पराक्रम दिखाया, किंतु अपनों ने ही विश्वासघात के चलते पराजित हुए। भारत भूमि के विभाजन की विभीषिका विश्व इतिहास का सबसे भयावह त्रासदियों में से एक है, परंतु घोर आश्चर्य की बात यह है कि इसके मूल कारणों और भयावह परिणामों आदि को इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में दर्ज कराने, पढ़ाए जाने और उन पर खुली चर्चा के स्थान पर कथित गंगा जमुनी तहजीब के तराने गाए जाते रहे हैं। इस विभाजन के कारण लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोगों को विस्थापन का शिकार होना पड़ा। 12 से 15 लाख लोगों को मजहबी हिंसा और कट्टरता के कारण प्राण गंवाने पड़े। सहस्त्रों माताओं बहनों को अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अग्नि चिताओं में जलना और नदियों कुओं में समा करके अपनी जीवन लीला समाप्त करनी पड़ी। विभाजन से पूर्व मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को अलग पाकिस्तान की मांग पर डायरेक्ट एक्शन डे का आह्वान किया गया। 1981 में बांग्लादेश में जो हिंदू आबादी 12.3% थी, वह अब 7.9% ही रह गई है और 1970 तक अफगानिस्तान में हिंदू सिखों की अनुमानित लगभग 7 लाख आबादी थी, जिसको मजहबी हिंसा और तालिबानी राज में घटा करके अब 2-3 दर्जन ही रह गई। आज बांग्लादेश में कट्टरपंथी क्रूर है, अट्टहास कर रहा है और संस्कृति जो है अशब्द है। ऐसे में यदि योगी आदित्यनाथ आने वाले संकटों के प्रति भारत के मूल समाज को सचेत कर रहे हैं तो इस पर आपत्ति क्यों है? स्मरण यह है कि कट्टरपंथियों के निशाने पर कभी कोई जाति, दल अथवा विचारधारा नहीं, बल्कि स्वतंत्रता और समरता में विश्वास रखने वाली सनातन संस्कृति ही है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर के बेबाकी से पूछेंगे कि योगी आदित्यनाथ के इस एकता के बयान से लोगों में क्या दिक्कत है।